नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पार्थाचार्य मिश्रा। मैं आपके लिए लाया हूँ एंड्रॉयड ट्रेनिंग एक बिगिनर के लिए। सो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एंड्रॉयड की शुरुआत कैसे हुई, एंड्रॉयड कैसे दुनिया की सबसे यूज की जाने वाली स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम बनी जो आज तक आई, तो एंड्रॉयड को किसने शुरू किया और एंड्रॉयड कैसे शुरू हुई ओपन हैंडसेट अलायंस की मदद से और जाके आज तक इस स्थिति तक पहुंची। और मैंने बताया था कि एंड्रॉयड लिनक्स कर्नल्स के ऊपर बेस्ड है, लिनक्स 2.6 कर्नल के ऊपर बेस्ड है और एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स का मतलब होता है उसकी जो सोर्स कोड है वो ओपनली इंटरनेट में अवेलेबल है, कोई भी उसको डाउनलोड करके अपनी खुद की कस्टम रोम बना सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा कि एंड्रॉयड की आर्किटेक्चर क्या है और एंड्रॉयड रन टाइम क्या होती है। सो चलिए दोस्तों, अभी शुरू करते हैं एंड्रॉयड आर्किटेक्चर के ऊपर। आप देखेंगे एंड्रॉयड आर्किटेक्चर में हमारे ये चार बेसिक लेयर्स होते हैं। पहले वाला है आपका लिनक्स कर्नल, लाइब्रेरीज, उसके साइड में एंड्रॉयड रन टाइम, फिर एप्लीकेशन फ्रेमवर्क और एप्लीकेशंस। अगर आप लिनक्स कर्नल देखेंगे तो ये जो मैंने कहा था जो लिनक्स 2.6 कर्नल के ऊपर बेस्ड होती है, तो यहाँ पे सारे लो लेवल डिवाइस ड्राइवर्स है। अब देखेंगे बाइंडर्स है, पावर मैनेजमेंट, ऑडियो ड्राइवर, फ्लैश मेमोरी, ब्लूटूथ, वाईफाई, ये सारे डिवाइस ड्राइवर्स इस लेयर में आती है। ये बाइंडर जो है, ये बाइंडर कुछ नहीं आईपीसी का काम करता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। जैसे कोई इंटेंट रिसीव हुई किसी एक्टिविटी में, वो एक्टिविटी किसी दूसरी एक्टिविटी में कुछ मैसेज सेंड कर रही है, तो उस समय जो कॉन्टेक्ट स्विचिंग टेक्स प्लेस होती है वो बाइंडर हैंडल करती है, वो सब काम बाइंडर के अंदर आता है। और फ्लैश मेमोरी जो एसडी कार्ड रीड एंड राइट ऑल दिस थिंग्स आती है। और पावर मैनेजमेंट आपकी पावर मैनेजमेंट का काम करता है, जैसे आपकी फोन बैटरी लो है या फोन अभी किस स्टेट में है, फोन वेकअप स्टेट में जाएगी या स्क्रीन ऑफ होगी, और ये सारे चीज आप पावर मैनेजमेंट करता है। फिर आपकी यहाँ पे ऑडियो ड्राइवर्स है, ब्लूटूथ ड्राइवर्स है और बाकी सारे ड्राइवर्स है। यहाँ पे मैंने कहा था कि ओपन सोर्स है, लेकिन अगर मान लो किसी ओईएम को अपने फोन में एंड्रॉयड डालना है तो ये जो लोअर लेयर है उसके सारे ड्राइवर उसको फ्रॉम द स्क्रैच शुरुआत से ही लिखनी पड़ी, क्योंकि उसको हर ओईएम की अलग अलग चिप यूज करते हैं। जैसे ब्लूटूथ फॉर एग्जांपल, उदाहरण के समीप में आपको देता हूं कि यदि कोई नॉर्डिक सेमीकंडक्टर की चिप यूज करता है तो उसको ये जो ब्लूटूथ ड्राइवर है नॉर्डिक के हिसाब से ड्राइवर लिखनी पड़ेगी। अगर कोई टीआई टेक्सास इंस्ट्रूमेंट की बीएलई चिप यूज करता है तो उसको टेक्सास इंस्ट्रूमेंट की ड्राइवर लिखनी पड़ेगी। एक तरफ से देखा जाए तो ये डिवाइस ड्राइवर है वो प्रोप्राइटरी है, सारे डिवाइस ड्राइवर के मैन्युफैक्चर अपने इंटरनल्स अपने डेटा शीट में लिखते नहीं है, तो ये संभव पूरी तरह ओपन सोर्स नहीं है, बनाई जा सकती है लेकिन नहीं है, तो ये ओईएम को पूरी तरह से खुद इंप्लीमेंट करेगा। तो मेरे कहने का मतलब है यहां तक ड्राइवर लेवल है, इसको आप फार्मर लेयर बोल सकते हैं। और ऊपर जाएंगे तो आप में ये सारे लाइब्रेरीज से, ये जितने ऑरेंज कलर में वो सब सी और सी प्लस प्लस में लिखी गई। तो यहां से मैं दिखाता हूं आपका, यहां सरफेस मैनेजर है। सरफेस मैनेजर का काम है अपने स्क्रीन पे जो भी चीज डिस्प्ले होती है आपके स्क्रीन में, चाहे वो कोई भी बटन हो कि इमेजेस हो वीडियो हो, सारे चीज को कैसे एक दूसरे के ऊपर प्लेस करके एक बाइनरी इमेज बनाना है जो कि डिस्प्ले ड्राइवर दिखाएगी उसको, वो सरफेस मैनेजर का काम है। सारे इमेजेस को जोड़ के फाइनल इमेज बनाने का काम है। और उसके नीचे आता है ओपन जीएल और एसजीएल। ओपन जीएल एम्बेडेड सिस्टम, वो 3D ग्राफिक्स के लिए होती है, और ये एसजीएल स्केलेबल ग्राफिक्स लाइब्रेरी, ये 2D ग्राफिक्स के लिए होती है। दोनों सरफेस मैनेजर के थ्रू जाती है। फिर आता है आपका ये मीडिया फ्रेमवर्क। मीडिया फ्रेमवर्क सारे वीडियो कोडेक्स रखते हैं, जैसे आपका H264 या AVI या बाकी कोई कोडेक हो तो, या MP3 हो, जो जो कि ओपन हैंडसेट अलायंस के सारे कंपनी सपोर्ट करते हैं, वो सारे कोडेक्स की कोडिंग डिकोडिंग की जो लाइब्रेरी से कोडेक्स है यहाँ पे ये मीडिया फ्रेमवर्क में इंप्लीमेंटेड की गई। फिर आता है आपका जो SQLite। SQLite एक SQL की एक स्क्रैप्ड आउट लोअर वर्जन है, लाइट वर्जन है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। जो भी डाटाबेस में आप रीड राइट करते हैं कोई चीज एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो आप जो लाइब्रेरीज कॉल करते हैं वो SQLite से ही कॉल होती है। ये मैनेज करता है डाटा को, बेस को रखना, फाइल को हैंडलिंग करना, आपके इंसर्ट डिलीट और जितना आपका SQL क्वेरीज है वो SQLite ही हैंडल करती है। फिर आपका आता है वेब किट। वेब किट दोस्तों, ये जो आपकी HTML ब्राउज आप यूज करते हैं ब्राउजर्स में, कोई भी ब्राउजर हो,
वहां पे आपको HTML फाइल में आप डेटा रिसीव करते हैं, फिर उसको पार्सिंग करके फाइनली वेब ब्राउजर आपको रेंडर करके आपके ब्राउजर में दिखाता है। तो वो जो रेंडरिंग है, पार्सिंग, फिर एनक्रिप्टिंग, डिक्रिप्टिंग, वो सारे चीज वेब किट हैंडल करती है। फिर आपका होता है फ्री टाइप, ये एक फॉन्ट रेंडरिंग लाइब्रेरी है, जैसे आपका TTF फॉन्ट फॉर्मेट है विंडोज में, उसी टाइप का जो फॉन्ट फॉर्मेट यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये एक फ्री फॉन्ट लाइब्रेरी है जो कि आपको फॉन्ट को रीड करेगा और फिर राइट करेगा और रेंडरिंग करेगा। फॉन्ट पार्सिंग के लिए वो फ्री टाइप यूज की जाती है। फिर आपका आता है SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर का काम है डेटा एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में। HTTP HTTPS अगर आप सुने होंगे तो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का काम SSL करता है। और ये जो लाइव सी है, एक सी कंपाइलर है, गूगल द्वारा डेवलप की गई एक सी कंपाइलर है। एक्चुअली लोअर लेवल की जो कंपाइलेशन आप करते हो तो उसके लिए जो लाइब्रेरी यूज करता है एंड्रॉइड, वो लाइव सी के अंदर आता है। फिर आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है एंड्रॉइड रन टाइम। उसमें रन टाइम का मतलब होता है एग्जीक्यूशन एनवायरमेंट। आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और जब भी कोई कोड एग्जीक्यूट करती है, मतलब जो नेटिव लैंग्वेज में लिखी गई है उसको मेमोरी में पुश करती है एग्जीक्यूशन करने के लिए, उसको बोलते हैं रन टाइम एनवायरमेंट। चाहे वो एम्बेडेड सिस्टम में हो या पीसी में हो या कोई भी एनवायरमेंट में हो। और यहाँ पे आता है दो वर्जन उसके, डेल्विक वर्चुअल मशीन और ARP। मैंने दो दिखाया है समझाने के लिए, दो एक साथ नहीं होती, या तो डेल्विक रहेगी या तो ARP रहेगी। मैं इसका डिटेल अभी कुछ देर बाद बताऊंगा जब मैं ARP के बारे में बताऊंगा। पहले किटकैट से पहले डाल्विक यूज की जाती है, किटकैट के बाद से ARP इस्तेमाल की जानी शुरू हुई। और ये जितने कोर लाइब्रेरीज और सारे ग्रीन कलर की जितनी है वो सब जावा में इंप्लीमेंट की गई। कोर लाइब्रेरीज जो है, कोर लाइब्रेरीज आपकी जो जावा की लोअर लेवल लाइब्रेरी है, जैसे आपकी जावा की इनपुट आउटपुट सिस्टम, फाइल हैंडलिंग, ये सारे चीज कोर लाइब्रेरीज में रहती है। और उसके बाद यदि ऊपर जाएंगे तो आपकी एप्लीकेशन फ्रेमवर्क आती है, ये सभी जावा में लिखी गई है। तो पहले देखते हैं हम एक्टिविटी मैनेजर। एक्टिविटी मैनेजर का काम होता है एक्टिविटी की लाइफ साइकिल को मैनेज करना। एक्टिविटी मतलब जो भी आपकी विजिबल कंपोनेंट है आपकी एंड्रॉइड एप्लीकेशन में, जिसको आप डायरेक्टली यूजर इंटरेक्ट करते हैं अपनी टच स्क्रीन से, उसको सब एक्टिविटी बोलते हैं। जो मैं बताऊंगा भविष्य में कि अलग अलग कंपोनेंट क्या होता है तब आप जानेंगे। तो एक्टिविटी, जैसे आप कोई स्क्रीन चल रही है, आप होम बटन दबा दिए तो एप्लीकेशन आपकी बैकग्राउंड में चली गई, या आप काम कर रहे हैं दूसरा कोई कॉल आ गया तो वो बैकग्राउंड में चला गया, कॉल ऊपर आ गया, तो उसकी जो मल्टीटास्किंग का काम है वो एक्टिविटी मैनेजर संभालता है। फिर आपका आता है विंडो मैनेजर। विंडो मैनेजर दोस्तों कुछ नहीं है, जो सरफेस मैनेजर है उसका जावा वर्जन है। मल्टीपल चीज को जो पुट करके एक स्क्रीन में फाइनल इमेज बनाना, वो जावा लेवल पे विंडो मैनेजर करता है। फिर वो लोअर लेयर पे सरफेस मैनेजर की APIs को ही इनवॉक करता है। फिर सस्ते नजर थ्रू इधर 3D ग्राफिक्स हुआ तो OpenGL में जाएगी, इधर 2D ग्राफिक्स हुआ तो SGL के थ्रू, और डिस्प्ले ड्राइवर को कॉल करके फाइनली आपके GPU को सेंड करता है, और जिसको आप अपने स्क्रीन में देखते हैं। कंटेंट प्रोवाइडर परमिशन चीज काम करता है। परमिशन यानी मान लो एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन की कुछ डेटा एक्सेस करना चाहते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट लिनक्स में अलाउड नहीं है, एंड्रॉइड में, क्योंकि हालांकि एप्लीकेशन अपनी अपनी इंडिविजुअल वर्चुअल मशीन में चलती है, किंतु कुछ समय आपकी जरूरत पड़ेगी ऐसी चीज। जैसे आप, मुझे अभी एक फोटो चाहिए, उसको मैं उठा के अपने एप्लीकेशन में प्रोसेस करूंगा, तो कैमरा एप्लीकेशन तो पहले से है, तो उस समय मैं कैमरा एप्लीकेशन को मैसेज भेजूंगा कि तुम ये फोटो खींच के इसको मुझे वापस दो, फिर मैं काम करूंगा। उस समय कंटेंट प्रोवाइडर का काम आता है। उसके बाद आता है व्यू सिस्टम। व्यू मतलब सारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, चाहे वो बटन हो या कोई एडिट टेक्स्ट हो या कोई स्क्रॉल बटन हो या कोई रेडियो बटन हो, कुछ भी हो, ये सारे व्यू सिस्टम्स के डिराइव्ड क्लास है। व्यू सिस्टम माने तो उसका बेस क्लास बोल सकते हो। नोटिफिकेशन मैनेजर नोटिफिकेशन मैनेज करता है। जैसे आपके फोन का से ऊपर से आप ड्रैग करो तो जैसे आपको नोटिफिकेशन आता है कि बैटरी इज लो, या तो आपकी डाउनलोड चल रही है, डाउनलोड खत्म हो गई है, जितने सारे नोटिफिकेशन आपके फोन में आते हैं किसी भी ऐप से, तो वो सब नोटिफिकेशन मैनेजर हैंडल करती है। उसके बाद XMPP सर्विस, ये मैसेज इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का काम करती है। जैसे आप चैटिंग मैसेज सेंड करते हो तो वो सो या फेसबुक में, व्हाट्सएप में, किसी में, तो XMPP सर्विस की APIs को इन्वोक करती है। उसके बाद आती है आपकी लोकेशन मैनेजर। लोकेशन मैनेजर आपका GPS हैंडल करती है, GPS की ट्रायंगुलेशन, ट्रायलेटरेशन,
या जितने सारे चीज़ें वो सब लोकेशन मैनेजर का काम करता है, जीपीएस सेट करना, जीपीएस सेट हुआ है या नहीं, वो सब चीज़ लोकेशन मैनेजर देखती है। उसके बाद आपका आता है रिसोर्स मैनेजर। रिसोर्सेज दोस्तों, एक एप्लीकेशन में रिसोर्सेज का मतलब है जो नॉन कोडेबल, नॉन प्रोग्रामेबल चीज़ है। जैसे आपकी कोई इमेज है, कोई ऑडियो क्लिप है, कोई बटन को दबाते तो ऑडियो प्ले होती है, ये सारे जो नॉन प्रोग्रामेबल चीज़ है या कोई टेक्स्ट है, हार्ड कोड स्ट्रिंग है, तो वो सब को हम बोलते हैं रिसोर्सेज। वो हर एक एप्लीकेशन अपनी प्रोग्रामेबल कंपोनेंट के साथ रिसोर्सेज के साथ भी आती है एक एपीके पैकेज के अंदर। तो वो रिसोर्सेज कैसे लोड होगी जब एप्लीकेशन आप एग्जीक्यूट करते हो रन टाइम में, तो वो सब चीज़ रिसोर्स मैनेजर हैंडल करती है। और ये टेलीफोनी मैनेजर देखोगे, टेलीफोन का काम संभालती है। जैसे कॉल आया, कॉल रिसीव करना, कॉल की जो अलग अलग स्टेट्स है, जीएसएम लेवल की जो कम्युनिकेशन है, तो वो टेलीफोनी मैनेजर का काम। और ये जो पैकेज मैनेजर है, पैकेज मैनेजर का काम है पैकेज इंस्टॉलेशन को मैनेज करना। जब आप इंस्टॉल करते हो तो पैकेज कहाँ इंस्टॉल हुई, फिर कैसे वो अनइंस्टॉल हुई, उसकी क्या क्या परमिशंस है, वो सारा चीज पैकेज मैनेजर का काम है। तो उसके ऊपर आप जाएंगे तो आपका पास जैसे होम कॉन्टैक्ट्स और बाकी चीजें, वो सब एप्लीकेशन लेवल के। यहाँ पे सिस्टम ओईएम्स के द्वारा एप्लीकेशन हो सकती है या आपकी खुद की बनाए हुए एप्स भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया एंड्रॉइड आर्किटेक्चर के ऊपर। अब मैंने बोला था कि अभी ये एआरटी के डिफरेंस के ऊपर मैं अभी बताऊंगा, तो अभी मैं बताऊंगा कि ये रन टाइम में डाल्विक और एआरटी में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, रन टाइम का मतलब होता है एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट। जैसे मैंने बताया था, एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट मतलब वो एक पोर्शन होता है जहां पे जो कोड है वो एक्चुअली में एग्जीक्यूट करता है सीपीयू के द्वारा। तो पहले जब एंड्रॉइड फोन बनी थी, उस समय रैम्स किलोबाइट्स के और मेगाबाइट्स भी बहुत हार्डली रीच, मुश्किल से रीच कर पाती थी। तो इसलिए उस समय कितना कम स्पेस में हम अपने प्रोग्रामेबल कोड रखे वो बहुत इंपॉर्टेंट थी उस समय। तो आप देखोगे जावा में, जैसे सिस्टम में क्या होता है कि आप जावा को .java फाइल में लिखते हो, फिर उसको जब जावा कंपाइलर उसको कंपाइल करता है तो उस समय वो बाइट कोड में बनाता है, डॉट क्लास फाइल में रह जाता है, लेकिन फिर भी वो मैसेलेबल कोड नहीं रहता। फिर जब आप एग्जीक्यूट करते हो JRE से, जावा रन टाइम एनवायरमेंट से, तब जाके वो बाइनरी कोड बनती है। लेकिन और उसी तरह से डाल्विक वर्चुअल मशीन जो है, उसी प्रकार की एक जावा वर्चुअल मशीन है, लेकिन उसकी बहुत ही हाईली ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है। डाल्विक वर्चुअल मशीन की जो फाइल्स है वो जावा की जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स आप पीसी में देखते हो उससे कई गुना ज्यादा छोटी साइज में है। तो उस समय साइज कम रहता है क्योंकि अगर आप डायरेक्टली बाइनरी कोड्स रखोगे मशीन लेवल तो उसकी साइज थोड़ी सी ज्यादा रहेगी क्योंकि ड्राइवर लेवल चीज भी उसमें एम्बेड होके रहती है। लेकिन डाल्विक में जो वर्चुअल मशीन में जो बाइट कोड्स होती है वो थोड़ा कंपेरेटिवली कम साइज होती है, तो उस समय वो डाल्विक वर्चुअल मशीन मतलब एडवांटेजियस था। लेकिन धीरे धीरे जब रैम बढ़ने लगी तो डाल्विक की अब जरूरत ज्यादा नहीं पड़ी। उस समय स्पीड ज्यादा इंपॉर्टेंट रही क्योंकि 2 GB 3 GB रैम आजकल कॉमन हो गया है एंड्रॉइड में। तो इसलिए डायरेक्टली एआरपी में अगर आप किटकैट से ऊपर है तो डायरेक्टली वो जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उस समय आपकी जो एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली मशीन लेवल कोड में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आप डिटेल में थोड़ा सा डिटेल में देखोगे तो मान लो आप किटकैट में दो ऑप्शन आती है इंस्टॉल के टाइम में, यदि आप डाल्विक यूज करना चाहते हो या एआरटी यूज करना चाहते हो, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होते। सपोज आप किटकैट और उससे पहले जाते हैं, मान लो आप एक एप्लीकेशन है उसको आप कंपाइल कर रहे हो, उसके सारे वो कन्वर्ट हो गई जावा, उसको कंपाइलेशन के बाद उसको डेक्स फॉर्मेट में एंड्रॉइड कन्वर्ट करता है, डेक्स डाल्विक एग्जीक्यूटेबल, फिर उसके साथ सारे रिसोर्सेज जो है जोड़ के एक एपीके फाइल बनाता है जिप करके, कंप्रेस करके एप्लीकेशन पैकेज जिसको आप इंस्टॉल करते हो एंड्रॉइड एपीके। मान लो आप किटकैट और उससे प्रीवियस वर्जन में हो तो आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया, उस समय एक टूल होती है डेक्स ओपीटी। उसका काम क्या है कि जो डेक्स फाइल को फर्दर ऑप्टिमाइज करके और कंप्रेस करके छोटा करना, और जनरेट करती है ओडेक्स फाइल, ऑप्टिमाइज डाल्विक एग्जीक्यूटेबल, कभी कभी उसको क्विक एंड डेक्स भी बोलते हैं। तो ये भी बाइट कोड ही है लेकिन उससे ज्यादा कंप्रेस्ड वर्जन है और भी ज्यादा कम स्पेस लेता है। उसके बाद जब यूजर उस आइकन में क्लिक करता है, प्रोग्राम को रन करता है या तो फिर एग्जीक्यूट करता है, तो उस समय जो डाल्विक वर्चुअल मशीन क्या काम क्या करता है ना, उसको कंपाइल करके मशीन कोड में, नेटिव कोड में कन्वर्ट करता है जिसको प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर पाए। तो हियर हमारा क्या आता है, डाल्विक में हमारी जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन होती है, रन टाइम के टाइम में कंपाइलेशन होती है, जैसे जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल वगैरह में होती है। लेकिन धीरे धीरे जब
उसमें क्या होता है कि इंस्टॉलेशन फास्टर होता है लेकिन एग्जीक्यूशन थोड़ा स्लो हो जाता है। मेमोरी मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम आता है, गार्बेज कलेक्शन एंड कॉम्पैक्शन में थोड़ा इश्यू आता है। लेकिन जब डिमांड आई कि नहीं हमको एग्जीक्यूशन भी फास्टर चाहिए, बार बार इसको हम बाइट कोड को जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन के द्वारा नेटिव कोड में कन्वर्ट नहीं कर सकते रन टाइम में, तो उस समय एंड्रॉइड ने इंट्रोड्यूस किया एआरटी का। एआरटी में क्या होता है, एंड्रॉइड रन टाइम में जब आप इंस्टॉल करते हैं वो डेक्स फाइल, एक टूल होता है डेक्स टू ओएटी, वो उसको क्या करता है डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, ईएलएफ फाइल में कन्वर्ट करता है। ईएलएफ यानी एग्जीक्यूटेबल लिंक फॉर्मेट, जैसे आप विंडोज में ईएक्सई फाइल होता है ना, उसी काइंड का एक ईएलएफ फॉर्मेट होता है। कभी कभी उसको ओएटी भी बोलते हैं, एड ऑफ टाइम फॉर्मेट। ये डायरेक्टली मशीन लेवल कोड है। और उसके बाद जब यूजर क्लिक करता है, मान लो आप किटकैट से एवव हो, तो डायरेक्टली क्या होता है ना, आपका जो एआरटी उसमें आपकी जो लाइब्रेरीज ऐड करके एग्जीक्यूट को भेज देता है, उसमें कंपाइलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, इंस्टॉल के टाइम में ही कंपाइलेशन हो गया था। तो यहां जो कंपाइलेशन आती है इसको हम कहते हैं अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन, वहां पे है जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन। तो यहां पे हमारी एडवांटेज है कि एग्जीक्यूशन बहुत फास्टर होगी, मेमोरी मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो सकेगी, लेकिन एक डाउन साइड है यहां पे कि इंस्टॉलेशन थोड़ी ज्यादा टाइम लगेगी। फिलहाल आजकल जो 2 GHz 1.6 GHz तक सीपीयू आ रहे हैं 4 GB रैम में, तो ये कोई बड़ी इशू नहीं है आज तक। सो अभी देखो लॉलीपॉप के ऑनवर्ड्स एंड्रॉइड वर्जन में केवल एआरटी अभी डाल्विक एक टोटली आउटडेटेड हो गई है। सो ये एक छोटा सा डिफरेंस था कि डाल्विक और एआरटी में डिफरेंस क्या है एंड्रॉइड की जो कंप्लीट एग्जीक्यूशन एनवायरमेंट है। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी, थोड़ा अभी आइडिया आया होगा कि एंड्रॉइड की आर्किटेक्चर क्यों है, इसको क्यों एक सॉफ्टवेयर स्टैक बोलते हैं, और एंड्रॉइड की रन टाइम कैसे काम करती है। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि अलग अलग कंपोनेंट्स क्या होते हैं एप्लीकेशन में, जैसे एक्टिविटी सर्विसेज, कंटेंट प्रोवाइडर, ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स वगैरह वगैरह, और उसका उसकी क्या प्रॉपर्टीज है मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलेगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। धन्यवाद।